वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने गुरुवार को तीसरी सूची जारी कर दी है। कांग्रेस पार्टी ने 12 झालावाड़ सीट से उर्मिला जैन भाया को अपना प्रत्याशी बनाया है, जो राज्य के पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया की पत्नी होने के साथ ही वर्तमान में 12 की जिला प्रमुख है। वहीं अब उनका मुकाबला भाजपा प्रत्याशी दुष्यंत सिंह से है। दुष्यंत सिंह इस सीट से पांचवी बार लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, साथ ही सीट पर पिछले 35 सालों से भाजपा का कब्जा है। दुष्यंत सिंह से पहले उनकी मां और राज्य की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे यहां से चुनाव लड़ती थी, जो लगातार 5 बार इस सीट से जीत दर्ज की थी। उर्मिला जैन भाया इससे पहले साल 2009 में 12 झालावाड़ सीट से लोकसभा चुनाव लड़ चुकी है। उस चुनाव में दुष्यंत सिंह को 4,28,996 वोट मिले थे, जबकि उर्मिला जैन भाया को 3,76,208 वोट मिले थे। दुष्यंत सिंह ने उन्हें करीब 52,841 वोटों से हराया था। ऐसे में एक बार फिर 15 साल बाद दोनों नेता आमने सामने हैं। नमस्कार। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास जताकर झालावाड़ 12 लोकसभा क्षेत्र का उम्मीदवार बनाया। मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि आपके विश्वास पर खरी उतरूंगी और झालावाड़ 12 लोकसभा क्षेत्र की जनता के साथ विश्वास एवं आशीर्वाद से झालावाड़ 12 पूरा संसदीय क्षेत्र का मैं चहुंमुखी विकास कराऊंगी।